कराची का पारसी काहिन। फ़ेरोज़ पटेल कराची के एक नहायत नेक पारसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम सेंट पैट्रिक हाई स्कूल कराची से पाई। इसके बाद इंडियन आर्मी में शमूलियत इख्तियार कर ली और तकसीम हिंद के बाद हिंदुस्तान में ही ठहरने का फैसला किया। कराची के पारसी काहिन के मुतालिक आर्च बिशप लैरी सुल्ताना ने तहकीक की और आर्च बिशप लैरी सुल्ताना की तहकीक को ढूंढने में फादर अनायत बर्नार्ड ने बहुत अहम किरदार अदा किया। तो आइए कराची के पारसी काहिन के मुतालिक मिलकर जानें। फ़ेरोज़ पटेल ने एक कैथलिक खातून से ब्याह किया और बाद में खुद भी कैथलिक हो गए। कुछ अरसा पहले जब उनकी शरीक हयात का इंतकाल हो गया तो उन्होंने पाक खिदमत का सैक्रमेंट पाने की ख्वाहिश जाहिर की। सेमिनरी के एक मुख्तसर से कोर्स के बाद उन्हें 3 साल कबल बेंगलोर में कहानत के लिए मखसूस किया गया। फादर फ़ेरोज़ सेंट पीटर्स पॉन्टिफिकल सेमिनरी बेंगलोर से बतौर लेक्चरर वाबस्ता हैं। वहाँ ये अंग्रेजी और नस्बती मज़ाहिब पर लेक्चर देते हैं। फादर फ़ेरोज़ की ये बहुत ख्वाहिश है कि वो कभी अपने आबाई शहर कराची आ सकें और अपने भाई की पटेल से, जो एक मकामी ताजर हैं, से मिल सकें। लेकिन वो कभी फ़ौज में मुलाजिम रह चुके हैं, इसलिए उन्हें पाकिस्तान का वीज़ा जारी नहीं किया जा सकता। हम आर्च बिशप लैरी सुल्ताना के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने फादर फ़ेरोज़ पर तहकीक की, और हम फादर अनायत बर्नार्ड के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस तहकीक को ढूंढने में बहुत अहम किरदार अदा किया। खुदा इन दोनों को लंबी उम्र अता करे। आमीन।